Amen.
See.
मंगल हारी
सीताराम राम राम देखा कि भगवान याज्ञवल तीर्थराज प्रयाग के कर्म घाट पर बैठकर भरद्वाज जी के प्रश्न के उत्तर में राम कथा का आरंभ करते पहले शिव चरित्र सुनाते हैं। शिव और राम में कोई भेद नहीं है, शिव और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वैष्णव और शैव में कोई भेद नहीं है, ये बताने के लिए गोस्वामी जी ने ये किया। क्योंकि गोस्वामी जी का अपना जीवन ही एक संगम का प्रतीक था। तुलसीदास जी का जन्म हुआ यमुना के तट पर, उसने कथा कही सरजू के तट वाले भगवान राम की और कथा अर्पण की गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ को। जन्म यमुना के तट, गान किया सरयू के तट और समर्पण किया गंगा के तट, यानी अपना जीवन ही स्वयं संगम का उत्कृष्ट उदाहरण रहा। आगे भगवान शंकर कथा कहेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी के जमाने में शैव लोक यानी शिवपंथी, वैष्णव यानी वैष्णव वैष्णवी पंथ जो मानते थे वो, और शाक्त लोग यानी शक्ति को मानते थे, इन तीन विचारधारा लड़ रही थी भारत में। इन तीनों को एक करने के लिए गोस्वामी जी ने यह किया कि भगवान की कथा शंकर भगवान से कहलाई तो शैव लोग राजी हो गए कि हमारे मालिक कथा कह रहे हैं, हमको क्या आपत्ति, और कथा गाई राम की तो वैष्णव लोग राजी हो गए कि हमारे भगवान की कथा है, और कथा सुनने बैठी शक्ति भवानी तो शाक्त लोग राजी हो गए कि हमारी शक्ति सुन रही है। तो गोस्वामी जी ने एक पूरा समन्वय करके दिखाया। तो कथा राम की कहनी है और आरंभ शिव चरित्र से हो रहा है। आइए
याज्ञवल्क भरद्वाज जी को कह रहे, महाराज एक बार भगवान शंकर और भवानी सती राम कथा भगवत कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में गए और इस प्रसंग में हम प्रवेश करें। संक्षेप में आइए सुने और गाए। एक बार त्रेता युग में शिवजी सती को लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। अगस्त जी ने शिव और सती का बहुत सत्कार किया। अब जब शिवजी की पूजा की अगस्त जी ने, तो शिवजी ने सोचा कि ये महात्मा कितने सरल हैं, क्योंकि मैं कथा सुनने आया हूं, मैं तो श्रोता हूं, वक्ता तो अगस्त बनेंगे, मुझे अगस्त की पूजा करनी चाहिए, लेकिन वो मेरी पूजा करने लगे। तो संत की सरलता को, भगवान शंकर को संत की सरलता से बहुत खुश हुए। लेकिन सती की पूजा जब अगस्त जी ने की, तो सती ने गलत अर्थ कर लिया। सती ने सोचा कि ये मेरी पूजा अभी से करने लगा, वो बेचारा क्या कथा कहेगा, उसमें है क्या, जिसका जन्म घड़े में से हुआ है, कुंभ में से हुआ है, वो समुद्र जैसी कथा कैसे कहेगा। सती ने गलत अर्थ कर दिया। भगवान शिव जी ने अगस्त जी को कहा कि महाराज आप मुझे भगवत कथा सुनाएं। अगस्त जी को लगा कि भगवान शिव को कथा सुनाकर मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी, तो अगस्त जी कथा कहने लगे। शिव जी कथा सुन रहे हैं, सती साथ में बैठी है, लेकिन उसने कथा सुनी नहीं, क्योंकि पहले से ही निर्णय किया था कि ये बेचारा क्या कथा कहेगा। ठीक है, शिव जी ले आए हैं तो बैठना पड़ेगा, बाकी इनसे क्या सुनना, पूर्वग्रह पैदा हो।
और कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी घटना, इनके साथ जब आपको पूर्वग्रह हो जाता है तब आप उसको ठीक रूप में कभी न्याय नहीं दे सकते। पूर्वग्रह छोड़े, किसी विद्वान ने कहा कि दुनिया के देश उपग्रह छोड़ सके लेकिन पूर्वग्रह नहीं छोड़ सके। एक दूसरे के बीच में जो पूर्वग्रह हैं उसको छोड़े, वरना आप वस्तु को उसी के रूप में नहीं देख पाओगे। सती ने बड़ी गलती कर दी, उसमें बुद्धि का अहंकार था, मैं दक्ष की बेटी हूं, भगवान शंकर तो कहीं भी सुनने बैठ जाते हैं, मैं क्या सुनूं, ठीक है पति के साथ आई हूं इसलिए बैठना पड़ेगा, बाकी इनमें क्या सुनना। तो सती ने राम कथा सुनी नहीं, कथा पूरी हो गई। शिव जी को हुआ कि मैंने कथा सुनी, मेरा फर्ज है कि मैं कुछ दूं पत्र पुष्प अगस्त ऋषि को कथा के बदले में, लेकिन शंकर भगवान को हुआ कि मैं ऐसे ही कुछ दे दूंगा और अगस्त ऋषि को अनुकूल न हो, इससे अच्छा है कि मैं पूछूं आप जो चाहें सो मुझसे मांगे। महाराज आपने कथा सुनाई, आप हमसे कुछ स्वीकार करें, हमको भी सेवा का मौका दें। अगस्त जी को कहा मांगो, लेकिन अगस्त जी विचार करने लगे कि मैं ऋषि हूं मांगू कैसे, भारत का संत भारत का ऋषि किसी से मांगता नहीं। हम सब में जब मांगने की वृत्ति आ गई तब से हमारी साधना निस्तेज हो गई, हमारी वाणी का बल कमजोर हो गया। जब से हम मांगना सीख गए, आज जहां देखो लोग मांगते ही हैं, बस मंदिरों में जाओ तो भगवान से मांगते हैं, साधु संतों के पास जाओ तो वहां जाकर मांगते हैं, सब मांगते हैं। मांगना बंद करो, लायक बनो। जहां देखो लोग मांगते, कलयुग का प्रभाव है, गोस्वामी जी ने लिखा है कलयुग में जाति कुजाति सब मांगते ही होंगे, जहां देखो मांगते हो। छोटे छोटे गांव में तो पुजारी को पता लगता है, वो मंदिर के दरवाजे के पीछे बैठा बैठा कुछ पूजा की सामग्री तैयार करता हो तो उसको पता रहता है कि कितने लोग आते हैं और क्या क्या मांगते हैं। बाप आएगा तो मांगेगा मेरा बेटा इस वक्त पास हो जाए ऐसा करना, बेटा आकर भगवान को कहेगा कि इस बार बस कुछ भी करो लेकिन मैं पास हो जाऊं, भगवान कहे मन में कि तेरे बदले में मैं पेपर लिखने जाऊं तो हो। सास आएगी तो मांगेगी मेरी बहू का स्वभाव सुधार, भगवान मन में कहेगा कि सास तेरी जीभ पर परशुराम का जो फरसा है वो तू निकाल दे पहले। और पुजारी सुनता है सब, और बहू आएगी तो बहू तो बहुत जोर से नहीं बोल सकते जितने आवाज में सास बोल सकती है, तो बहू आकर बहुत विनम्रता से भगवान को कहेगी कि कई बहुओं की सास को स्वर्ग मिल गया लेकिन अभी मेरी सास। सब मांग रहे हैं, जहां देखो मांग फैली जा रही, मांगो मत लायक बनो। मांगे क्यों, हम अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, ईश्वर के बेटे हैं, कोई सामान्य थोड़े हैं। लेकिन जब से मांगना आया, और साहित्यकारों ने कहा है संसार में कुछ बातें बहुत बुरी हैं, लेकिन इन सभी बातों में किसी से मांगना सबसे बुरा। एक बुरा प्रेम को
पंथ बुरा है। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होय, तो नगर ढिंढोरा पीटती कि तुम प्रीतन करियो कोई। प्रेम की बातें बड़ी आसान है, लेकिन निभाना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। आजकल लोग जो बातें करते हो प्रेम नहीं है। मुझे किसी ने प्रश्न में पूछा, अलौकिक प्रेम कैसे हो सकता है? हमने कहा ये सवाल ही गलत है, क्योंकि प्रेम अलौकिक ही होता है, लौकिक हो ही नहीं सकता। जो लौकिक है वो मोह है, प्रेम नहीं। तो प्रेम की जो बातें लोग करते हैं वो मोह है, प्रेम अलौकिक है, इसलिए उसको निभाना बड़ा मुश्किल। बातें सरल है, तो प्रेम का पंथ बुरा कठिन। बुरो जंगल में बासो, जंगल में रहना एकांत निवास करना बहुत कठिन, क्योंकि एकांत सफल हो तो ही अच्छा, वरना एकांत में दो बात होती है, दो विचार आते हैं, भोग के या भजन के। ज्यादातर लोगों को एकांत मिलते ही भोग के विचार आते हैं। इसलिए एकांत में जिसका सुमिरन परिपक्व है वही बच सकता है। तो एकांत बुरा है, बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल में बासो, बुरो नारी से नेह, नारी के साथ मर्यादा से ज्यादा आसक्ति बुरी है। मर्यादा से ज्यादा आसक्ति रही नारी में तो आदमी बंधन में आ जाता है। सावधान, नारी के अधीन न होना हो तो आसक्ति की मर्यादा समझो। लेकिन आज पूरी दुनिया नारी के अधीन है, क्या अनुभव है आपके? कलयुग के वर्णन में तो ऐसा लिखा है कि कलयुग में पुरुष नारी के अधीन हो जाएगा। तुलसीदास जी ने तो लिखा कि सभी पुरुष नारी के अधीन हो जाएगा, सब, किसी को छोड़ा नहीं, स्त्री के अधीन सब हो जाए। बाहर जाएंगे तो बड़ाई करेंगे, लेकिन भीतर सब नारी के अधीन। कारण है आसक्ति। अकबर के दरबार में बीरबल ने एक खबर सुनाई कि शहनशाह, एक बड़ी खराब खबर है। बोले क्या? कि हमारी नगरी में सब पुरुष स्त्री के अधीन हो गए, कोई ऐसा मर्द नहीं जिस पर स्त्री का काबू न हो, सब नारी वश हो गए, स्त्रियों के गुलाम हो गए, हमारे राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अकबर ने सुना ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बोले हो गया है, पूरी नगरी में कहीं भी देखो सब स्त्री के गुलाम है। सभा बुलाई, नगर के सभी पुरुष अकबर के दरबार में आ गए। अकबर ने कहा कि मुझे बड़ी चिंता है, खबर मिली है कि आप सब नारी के अधीन, स्त्री के अधीन हो गए। आप में से जो व्यक्ति स्त्री के अधीन न हो, ऐसा कोई शूरवीर हो जो नारी के अधीन न हुआ हो, गुलाम न हुआ हो अपनी पत्नी का, वो हाथ ऊपर उठा दे, और खबरदार झूठा हाथ मत उठाना, परीक्षा की जाएगी। यदि मुझे खुश करने के लिए आप बता दें कि हम नारी के अधीन नहीं और हाथ ऊपर उठा लिया, तो आपके घर की तलाश की जाएगी, और यदि आप झूठे साबित हुए तो आप पर दंड हो सकता है। तो जो सच्चा शूरवीर हो, जो नारी के अधीन न हुआ हो, वो मेरे दाईं ओर आ जाए, और नारी के अधीन जो हो वो मेरे बाईं ओर आ जाए। शहनशाह का हुक्म, 5-10 मिनट तो बिल्कुल शांति छा गई दरबार में, कोई ऊपर नजर नहीं उठा सका। अकबर ने कहा जल्दी करो, जो नारी के गुलाम हो वो मेरी बाईं ओर आ जाए, और जो नारी का गुलाम न हो, ऐसा शूरवीर कोई हो, वो मेरी दाईं ओर आ जाए। एक आदमी उठा, नीचे नजर करके अकबर की बाईं ओर आ गया, शुरू हो गया प्रवाह।
दूसरा तीसरा सब आ गए, क्योंकि सब नारी के अधीन थे आसक्ति के कारण। अकबर हैरान की कमाल है, पूरा नगर नारी के अधीन हो गया। एक नरपुंगव निकला, एक व्यक्ति निकला, खड़ा हुआ और अकबर की दाई ओर आकर खड़ा रहेगा, शाबाश तूने मेरे नगर का गौरव बढ़ाया नर शार्दूल, बढ़ाई की उसकी उसकी महिमा गाई, धन्य है कि एक तो कम से कम निकला मेरे नगर में कि जो नारी का गुलाम नहीं, शाबाश धन्य हो, तेरा नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। बाकी पूरे नगर के पुरुष लोग बाई ओर, एक निकला। अकबर ने कहा मुझे गौरव है कि मेरे नगर में एक आदमी तो निकला कि जो नारी के अधीन न हो, धन्य हो। उसी वक्त वो बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या है? बोले मैं घर से जब आया तब मुझे कहा गया था कि भीड़ में मत खड़े रहियो। मुझे जो सिखाया सो में कर रहा हूं, बाकी और कोई नहीं। तो नारी के अधीन हो जाना, आसक्ति बड़ी बुरी चीज है। एक बुरो प्रेम को पंच बुरो जंगल में बसो, बुरो नारी से देह बुरो बुरो सुमति से साथ मर्यादा से ज्यादा आसक्ति बुरी। प्रेम का पंथ, जंगल में एकांत निवास और नारी से आसक्ति। चौथी, बुरो नारी से नेह बुरो मूरख में हंसो, मूरख की मंडली में हंसना बुरा है। मूर्ख मूर्ख लोग के बीच में हंसे तो हमारी प्रतिष्ठा नहीं। बुरो मूर्ख में हंसो, बुरो सूम की सेव लोभी की सेवा बुरी। कंजूस हो जो लोभी है उसकी सेवा में कभी फल नहीं मिलता। लोभी कथा में बैठा था, यहां की बात नहीं है, और कथा में जब आरती होती है तो आरती की थाली जब श्रोतागण में घुमाई जाती है तो लोग उसमें पैसे डालते हैं, कुछ ना कुछ वेट करते हैं। तो एक लोभी कथा में बैठा था, उसको हुआ कि भले हो जाए, आज तो एक रुपया में आरती में डाल ही दूं। हमारे पूर्वजों ने कभी ये काम नहीं किया, चलो मैं क्रांति करूं। पूरा खानदान कंजूस था। तो उसने जेब से रुपया निकाला, नगद रुपया, और बहुत भीड़ थी तो आरती की थाली स्वयं सेवक लोग सबको देते देते उसके पास पहुंचे तो उसके मुट्ठी में रुपया था। और वो सोच रहा था कि जेब से तो निकाला है लेकिन आरती में डालूं न डालूं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी ये काम नहीं किया, मैं परंपरा तोड़ूं वो भी ठीक नहीं, और दूसरी बार होता है कि किसी को तो क्रांति करनी ही पड़ेगी, चलो मैं करूं। ऐसा असमंजस विचार में वो डूबा था। तो 15-20 मिनट हो गई, इतने में आरती की थाली निकट आई, तो 20 मिनट रुपया अपने मुट्ठी में था तो जरा पसीना हो गया उसको, तो रुपया भी भीग गया। तो भीगे रुपये को देखकर कंजूस ने कहा, रो मत, मैं तुम्हें नहीं जाने दूं, मत रो मेरे लाल। तुम्हें चाहिए तो तेरा मित्र ले लो, तुम इसलिए रो रहे हो, एक अकेले हो इसलिए। अच्छा अच्छा मैं तेरे सखा को बुलाता हूं,
तो अपना रुपया तो जेब में डाला, लेकिन आरती वालों को ख्याल नहीं था, तो आरती लेकर दूसरा लेकर भी प्रसाद है। लोभी की सेवा बुरी, बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल में बासो, बुरो नारी से नेह, बुरो मूरख में हांसो, बुरो सुम की सेव, बुरो भगिनी घर भाई, बहन के घर भाई ज्यादा रहे सो बुरा है। क्योंकि बहन के ससुराल वाले कब आक्षेप करे, बहन को कष्ट होगा, सुनाएंगे तेरा भाई तो यहीं रहता है, तो बहन को मुश्किल होगी। बहन के घर भाई ज्यादा न रहे, बुरो भगिनी घर भाई, बुरी नारक कुलक्ष, खराब स्वभाव वाली नारी बुरी, और सास घर बुरो जमाई, सास के घर जामात बहुत बुरा, वो तो बहुत बुरा। ससुराल में जमाई को चाहिए ज्यादा रहे ना, प्रसंग हो और जमाई को जाना पड़े ससुराल में तो जरूर जाए, लेकिन प्रसंग पूरा होने के बाद जो साधन मिले उसमें निकल जाए, कुछ न मिले तो साइकिल लेकर निकल जाए, निकल जाए। ससुराल में जामात ज्यादा रहे अच्छा नहीं, सास घर बुरो जमाई, बुरो पैप पंपाल है, सांप के साथ खेल बुरा है। शूरवीरों के साथ गए और रणांगण से पीछे हटना बुरा है। कविराज गंग ने अकबर को सुनाया कि इन सब बुरी बातों से मेरी दृष्टि में किसी से मांगना ये सबसे बुरा है, सबसे बुरो मांगना, तो मांगो मत, लायक बनो। शिवजी ने जब कहा कि आप कुछ मांगे, तब ऋषि ने मांगा नहीं, शब्द पलट दिया। मांगा नहीं, पूछा, गोस्वामी जी कहते हैं, पूछ ऋषि हरि भक्ति सुहाई, कृपा करके मुझे कुछ देना चाहते हैं प्रभु, तो मुझे भगवान की भक्ति के विषय में कुछ कहे। शिव जी समझ गए कि अधिकारी हैं, कथा के बदले में भक्ति प्रदान की। ऐसे राम कथा सुनते और भक्ति की गाथा सुनाते भगवान शिव जी हे भरद्वाज बहुत समय वहां कुछ दिन रहे, अब विदा मांगे। दक्ष पुत्री सती के साथ भगवान शंकर विदा हुए। दंडक वन से वो गुजरे, वो त्रेता युग तो था ही, भगवान राम का अवतार हो चुका था और राम जी की लीला वर्तमान थी। पंचवटी में से रावण सीता का अपहरण कर चला गया और सीता के वियोग में राम लखन सीता की तलाश करते हुए घूम रहे थे, रो रहे थे, मानव लीला कर रहे थे। उसी वक्त शिव और सती वहां से निकले। अंतर्यामी शिव जी ने सोचा कि जिसकी कथा मैंने अगस्त के पास सुनी वो भगवान की लीला तो चालू है, रास्ते में दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा। शंकर भगवान के हृदय में बड़ी तीव्रता थी दर्शन की। सती ये मर्म नहीं जान पाई। इतने में राम लखन दोनों भाई सीता की शोध करते करते निकले। शिव जी ने दूर से दर्शन किया और नेत्र मूंद कर हे सच्चिदानंद हे जग पावन ऐसा कहकर भगवान राम को प्रणाम किया। इशारा नहीं किया क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं, अब जो इशारा करे अथवा तो स्वयं जाकर मिले तो भगवान की लीला में विघ्न हो सकता है, भगवान की मानव लीला पकड़ी जाए, इसलिए दूर से प्रणाम किया। सती ने देखा कि दो राजकुमार, इनमें से एक की पत्नी कहीं खो गई है
और रोते रोते जा रहे हैं और मेरे पतिदेव उनको प्रणाम कर रहे हैं और वो भी सच्चिदानंद कहकर। सती ने कथा नहीं सुनी, संत की सरलता का गैर अर्थ किया, इसलिए वो ब्रह्म को पहचान नहीं सकी। शिव जी पहचान गए, सती ने नहीं पहचाना। शिव जी गदगद हो गए राम दर्शन कर, इतना भाव उमड़ा शिव जी को, सती ये मर्म जान नहीं पाई, इसलिए शंकर जी को पूछने लगी कि महाराज ये दो कौन है, आपने उनको प्रणाम क्यों किया? ये दो राजकुमार, एक की पत्नी कोई ले गया तो रो रहे वृक्ष को, पूछ रहे कि मेरी सीता कहाँ, और महाराज आप इनको प्रणाम करें, आप तो शिव हैं। भगवान शंकर ने सती को पूछा, आपने प्रणाम नहीं किया? बोले मैं क्यों करूं, मैं तो बुद्धिमान बाप की बेटी हूं, आप तो भावुक हैं, कहीं भी प्रणाम करने लगते हैं महाराज। सती तो तुम चुक गई, जिसकी कथा अगस्त ऋषि ने हमको सुनाई, जिसकी भक्ति मैंने अगस्त को दी, यही मेरे परमात्मा राम मानव लीला कर रहे हैं, साक्षात ब्रह्म मनुष्य बनकर लीला कर रहे हैं, देवी हमारा सद्भाग्य की दर्शन हो गए, आप अवसर चुक गई। भगवान शंकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सती के सामने राम की बात कह दी कि ये साक्षात ब्रह्म है, शिव समझा रहे। अहिने मन से और एकाग्र मन से ऋषि मुनियों जिनका ध्यान करते हैं, वेद शास्त्र जिसको नेति कहकर पुकारते हैं, जो माया का पति है, कुछ भी करते हैं फिर भी स्वतंत्र है, ये साक्षात ब्रह्म, उपनिषदों का, वेदांत का ब्रह्म, पुराणों का विष्णु, पुराणकार विष्णु मानते हैं, और गीता का ईश्वर, बिलग बिलग भाषा में सबने पुकारा है, ये स्वयं ब्रह्म अवतरे अपने भगत हित, अपने भक्तों के लिए अवतरित हुए हैं सती और लीला कर रहे हैं। आप समझो, सती ने कहा महाराज अब भाव से बोल रहे हैं, बाकी मैं इनको ब्रह्म कहने को राजी नहीं। ब्रह्म होता तो उसको पता नहीं कि उसकी पत्नी को कौन ले गया। ब्रह्म ऐसा होता है क्या? ये तो वृक्ष को पूछता है मेरी सीता कहाँ, ये तो सामान्य आदमी है बिल्कुल। शिव जी ने समझाया कि सती ये लीला है, नाटक है, नहीं माना। बहुत दबाव डालकर समझाने की चेष्टा की लेकिन असफल, और इसका अर्थ ये हुआ, हमने कई बार कथाओं में कहा कि पूरे जगत को समझाना आसान है, धन्यवाद धन्यवाद, सही बात है ना, बहुत मुश्किल है पत्नी को समझाना,
बहुत मुश्किल है पड़ोसी को समझाना, बहुत मुश्किल है अपने पितराइयों को समझाना, क्योंकि जो बहुत निकट रहते हैं उसको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत निकट रहने वाला कभी कभी चूक जाता है। आप बहुत दूर बैठेंगे तो भी व्यास गादी को ठीक से नहीं देख पाओगे, और स्टेज के बिल्कुल निकट बैठ जाओगे तो भी नहीं देख पाओगे। ठीक से देखने के लिए निश्चित अंतर जरूरी है। पत्नी रोज निकट रहती है इसलिए नहीं पहचान सकती, पड़ोसी एक दीवार के बाद रहता है इसलिए वो भी नहीं पहचान सकता, पितराय लोग साथ में बड़े हुए हैं इसलिए वो महिमा को नहीं जान सकते। जानने के लिए अंतर जरूरी है। गुजराती में कविता है कवि त्रापज करके, हमारे भावनगर डिस्ट्रिक्ट का कवि है त्रापज कर, जिन्होंने बहुत नाटक लिखे गुजराती में है, एक दो पंक्तियां सुन। समीप संताप छे जा जा मजा छे, दूर रहे निकलने से कमल विकसित होता है, लेकिन कवि कमल को कहता है कि भेटने में आनंद नहीं, दूर रहकर मुस्कुराओ, भेटने में तेरी समाप्ति हो सकती है। दूसरा दृष्टांत, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाली बातें अपनी अपनी पंक्ति में बताएं। करता मजा
जगह बड़ा अच्छा तंतु वाद्य बज रहा हो तो कवि कहता है, हे मृग दौड़ना मत वरना फंसोगे। कारण के प्रभु ये जानी ने जोयू के हवे मजा से दूर रहवा। प्रभु ये जानी ने जोयू मजा से दूर रहवा। प्रभु ये जानी ने जोयू मजा से दूर रहवा। मजा से दूर रहवा। मजा जो बहुत निकट रहते हैं वो समझने में ज्यादातर सफल नहीं हो सकते। तो शिव जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, शिव नहीं समझा पाए तो जीव बेचारा क्या। त्रेता युग में नहीं समझा पाए तो कलयुग में कैसे सफल पाए। तो कहने का तात्पर्य यही है, बहुत बार शिव जी ने समझाया कि सती मैं आपका पति हूं, मैं कहता हूं मानो, सती ने इनकार कर दिया। तो शिव जी ने कहा कि पहले तो एक बात मैं आपको ये बताऊं सती कि संशय मत करो, और फिर भी आपके मन में सवाल रहा ही है तो जाकर परीक्षा करो। राम ब्रह्म है कि मनुष्य, मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा हरि नाम कीर्तन करता हूं, आप जाओ। लेकिन एक बात का ख्याल करना, जिसकी परीक्षा करने तुम जा रही हो वो साक्षात ब्रह्म है, विवेक और मर्यादा मत चूकना। शिव जी वृक्ष के नीचे बैठ गए, सोचने लगे कि मेरे कहने से जिसका संदेह नहीं गया, मुझे लगता है पार्वती का सती का विधि विपरीत हुआ है। खैर, भगवान ने जो चाहा सो हो रहा होगा, ऐसा मानकर भगवान शंकर बैठ गए वृक्ष के नीचे और हरि नाम का सुमिरन करने लगे। यहां सती पहुंची राम की कसौटी करने के। पुनि पुनि हृदय विचार करी अवधरी सीता पर रूप। सीता का रूप धारण कर लिया, बहुत सोचा कि मैं सीता बनकर जाऊं, राम ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान लेंगे कि ये तो जगदम्बा सती है, और सामान्य आदमी होंगे तो सीता के विरह में रो रहे हैं, मुझे देखकर सीता मानकर मेरा हाथ पकड़ लेंगे, बस राम की कसौटी हो जाएगी, परख हो जाएगी। सीता का वेश बनाकर राम लखन सीता की शोध करते करते लीला करते जा रहे थे, और सती सीता बनकर राम जी के आगे आगे चलने लगे। बनी तो सीता लेकिन चलना नहीं आया। सीता जी का चलने का नियम है राम जी आगे चले और जानकी पीछे चलती, लेकिन ये नकली सीता राम को पीछे रख देती है और खुद आगे होगी। आगे आगे चलने लगी,
इसका मतलब ये हुआ कि सती ने वेश तो सीता का बनाया लेकिन अंदर का सतीपना नहीं मिटा। हम वेश तो बना सकते हैं कोई भी, लेकिन अंदर का बदलाव न हो तब तक क्रांति नहीं करती। लखन जी पहचान गए कि जगदम्बा सती शिव प्रिया सीता के वेश में, कमाल है। लेकिन लखन जी कुछ बोले नहीं, सोचा होगा कि भगवान नाटक कर रहे हैं, शायद इस नाटक में एक प्रवेश ऐसा ही रहा होगा, क्या पता। तो वो गंभीर बनकर कुछ बोले ना। भगवान राम जी ने एकदम निगाह उठाकर देखा तो सती सीता के वेश में आगे देखी और भगवान राम पहचान गए, हाथ जोड़ कर प्रणाम किया। बस इस प्रणाम में सती को समझ लेना चाहिए कि मुझे पहचान गए। भगवान ने प्रणाम इसलिए किया कि देवी यदि आप सीता होती तो आप मुझे प्रणाम करते, लेकिन आप शिव पत्नी हैं, मेरी माता लगती हो, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। दूसरी बात, सीता भक्ति है, सच्ची भक्ति परमात्मा को प्रणाम करती है, लेकिन नकली भक्ति को तो भगवान भी हाथ जोड़ते हैं। तो राम जी ने हाथ जोड़ दिया और पूछा, भगवान शंकर कहाँ है, आप इस जंगल में अकेली क्यों घूमती हैं? जब पहचान लिया और सती एक शब्द नहीं बोल पाई, वहां से भागी। मानसकार कहते हैं भगवान को लगा कि मैं सती को मेरा ऐश्वर्य दिखा दूं ताकि भविष्य में कभी संदेह न करें। जिस मार्ग में सती जा रही थी, बस सामने से राम लखन जानकी तीनों आ रहे। सती ने सोचा कि राम लखन तो पीछे, सीता को कोई ले गया और मेरे सामने तीनों। मुड़कर पीछे देखा तो पीछे तीनों आ रहे। इधर उधर जहां देखती हैं वहां राम ही राम दिखाई दिया। सती नेत्र मूंद कर बैठ गई। भगवान ने अपना ऐश्वर्य समेट लिया। सती ने नेत्र खोलकर देखा तो कुछ नहीं देखा। अब सती के हृदय में एक दाह शुरू हो गया कि मैंने शंकर की बात मानी नहीं और मैं राम की कसौटी करने चली। शिव जी मुझे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूं। एक वेदना लेकर सती भगवान के पास आती है। भगवान शिव जी ने हंसते हुए कुशल पूछी कि आप कुशल है, कैसे परीक्षा ली, पता हो गया राम ब्रह्म है कि मनुष्य, बताओ। गलत बंद हो जाए तो पूरी लाइन गलत हो सकती। समझदार आदमी वो है, सभ्य वो है, जो गलत हुआ है उसको सुधार, पाप को छिपाने के लिए पाप ही करना होता है, और ऐसा होता है संसार। एक आदमी किसी के पास नौकरी के लिए गया। शेठ ने पूछा कि नौकरी तो मिलेगी लेकिन आपको एक वस्तु, कितनी वस्तु को लाती है पीछे पीछे। बोले तुम्हें कोई व्यसन है? बोले कोई व्यसन, मैं बिल्कुल निर्व्यसन। शेठ ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, संसार में कोई ना कोई व्यसन तो किसी को होता ही, अब चाय कॉफी कुछ। बोले कुछ नहीं, सिगरेट ये। बोले मुझे कोई व्यसन ही नहीं शेठ जी, बिल्कुल निर्व्यसन। कई जगह मैं नौकरी करके आया। तो बोले इससे पहले आप कहाँ नौकरी कर रहे? बोले एक सदग्रस्त के रसोई घर में मैं नौकरी करता था। अच्छे, अच्छा प्रमाण पत्र? हाँ बहुत अच्छा प्रमाण। क्या प्रमाण पत्र? कि इस गृहस्थ के बर्तन मेरे घर में। तो बोले व्यसन कोई नहीं? बोले एक भी व्यसन। बहुत दबाव डालकर जब पूछा शेख ने तो कहा कि एक व्यसन है। बोले मैं इलायची खाता। इलायची? वो तो कोई व्यसन की बात नहीं। बोले इलायची की, बस मुझे इलायची की आदत है। बोले कब इलायची खाते हो? बोले जब थोड़ी। एक के बाद एक एक आ रहा, मुझे कोई व्यसन नहीं, मैं तो केवल इलायची खाता हूं, लेकिन तभी खाता हूं जब थोड़ा पीता हूं। तो तुम पीता भी है? बोले वैसे तो नहीं पीता क्योंकि पैसा नहीं, कैसे पिए, लेकिन कहीं चोरी कर लूं।
तो बाद में पी लेता हूँ। तो आप चोरी भी करते हैं? बोले वैसे तो चोरी नहीं करता, लेकिन जुए में जब हार जाता हूँ तब मैं चोरी कर लेता। एक के बाद एक गुनाह की परंपरा चलती है। वैसे हमारे जीवन में भी हम एक पाप को जब दबाने की चेष्टा करते हैं। सती ने पहली भूल की, संत की सरलता का गलत अर्थ किया अगस्त के लिए, अगस्त के पास। दूसरी भूल की, राम कथा सुनी नहीं। तीसरी भूल की, पति के साथ राम को देखने के बाद पति ने प्रणाम किया तो सती को भी प्रणाम करना चाहिए। चौथी भूल की, राम पर शंका की। पांचवी भूल की, अपने पति की बात मानी नहीं। छठी भूल की, परीक्षा करने चली। सातवीं भूल की, सीता का वेश लिया। और अब आगे की भूल कर रही है, अपने पति के सामने झूठ बोलती है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं, शिव संकल्प कर लिया। आकाश में आकाशवाणी हुई, धन्य हो शिव जी, आपके बिना भगवान की भक्ति को इतनी बलवान कौन बना सकता है, आपने बहुत बड़ा पन ले लिया। सती ने आकाशवाणी सुनी और शंका हो गई, शिव जी को पूछने लगी आपने कौन सी प्रतिज्ञा की, डर लगा। शिव जी को लगा कि मैं सती को कहूंगा कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया तो वो दुखी हो जाएगी, अनुभव से बर्तन से बता दूंगा कि तुम्हारा त्याग हो गया। रास्ते में इतिहास की कथा कहते कहते विश्वनाथ कैलाश पहुंचे। कैलाश आने के बाद शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बाहर वटवृक्ष के नीचे मृग चर्म बिछावी और उस पर आसन लगा करके भगवान शंकर प्रभु के ध्यान में डूब गए। शंकर जगत पति जाए जाए पद मंजन जा
शंभु पद सन्मुख शंकर सन्मुख शंकर सन्मुख शंकर आसन तो भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए और सती अकेली कैलाश पर बस रही है। उसको पता लग गया कि मेरा त्याग हो गया, दुख बहुत हुआ, पछता रही है अपने किए कर्म पर। 87,000 साल बीत गई और अचानक शिवजी जागे, राम राम बोलने लगे। सती ने सुना कि जगतपति जागे, अब तो मेरे पति नहीं रहे, जगत के पति ही रहे। गई, शिवजी को प्रणाम किया, शंकर जी ने सन्मुख आसन दिया। और नियम ऐसा है, व्यक्ति जब भगवान की सन्मुख हो जाती है तब उनके पाप खत्म हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासई तब। या तो जीव पुरुषार्थ से साधन करके सन्मुख हो जाए, या तो भगवान कृपा करके उसको सन्मुख कर दे। शिवजी ने सर्व आसन दिया, सन्मुख शंकर आसन दिना, सती बैठ गई। और भगवान शिवजी समझ गए कि दुखी है, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं। शिवजी रसप्रद कथा सुनाने लगे ताकि सती का मन कुछ सुख अनुभव करे। अब होता है ऐसा, मैं संक्षेप में कह देता हूं कि शिव जी कथा कह रहे हैं, सती सुन रही थी, उसी समय स्वर्ग में एक घटना घटी। ब्रह्मा जी ने सती के पिता दक्ष महाराज जो थे उसको प्रजापति नायक का पद प्रदान किया। इतना बड़ा पद अधिकार दक्ष महाराज को मिला तो उसको अहंकार आ गया कि मैं प्रजापति नायक बन गया। और इस अहंकार के कारण उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवताओं को नहीं बुलाए। बदला लेना चाहते थे दक्ष, क्योंकि ब्रह्म सभा में एक बार दक्ष जब गए तब शंकर भगवान ने उठकर सम्मान नहीं किया था, वो ध्यान में बैठे थे, इसलिए तो दक्ष बहुत नाराज हो गए और गालियां देने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने दक्ष को समझाया कि शिव जी का कोई दोष नहीं, वो ध्यान में थे, आप क्यों इतना नाराज हो जा रहे। तो विष्णु और ब्रह्मा भी शिव के पक्ष में हैं ऐसा मानकर दक्ष बहुत कुपित हुए और सोच रहे कि जब मुझे मौका मिलेगा तीनों देव का मैं बदला लूंगा। तो अब इतना बड़ा अधिकार मिल गया दक्ष को, तो यज्ञ का आयोजन किया अपमान करने के लिए। अपना जामात शिव उसको नहीं बुलाया, ब्रह्मा जी को नहीं बुलाया, विष्णु को नहीं बुलाया और सब देवताओं को निमंत्रण। सभी देवता अपनी देवियों के साथ विमान सजा करके कैलाश के ऊपर से निकले। रास्ते तो कहीं थे स्वर्ग में जाने के, लेकिन जानबूझकर देवता लोग कैलाश के ऊपर से निकले, क्योंकि शिव जी को दिखाना चाहते थे कि आपके ससुराल में प्रसंग है, हम जा रहे हैं, आपको निमंत्रण। मानव मन ऐसा होता है, देवता पुण्य करके ऊपर चले गए, लेकिन देवताओं की मन की निर्बलता ऐसी ही है जैसी मनुष्यों की हुआ कर। हमारे जीवन में भी ऐसा होता, हमारे कोई सगे के घर प्रसंग हो लेकिन हमारा और उनका कुछ व्यवहार बिगड़ गया है तो हम उनके यहाँ जाते नहीं। तो उसके घर जब प्रसंग हो तब वो हमको तो नहीं आमंत्रण देगा, लेकिन पड़ोसी को बिना कारण आमंत्रण देगा कि आप सबको आना। और पड़ोसी भी अपने सगे के घर जाए तब जितना तैयार न हो इतना तैयार होकर जाए, और ऐसे ही जाए तो भले जाए लेकिन जानते हैं फिर भी अपने दरवाजे पर आएंगे और कहेंगे आप कोई नहीं आते क्या। उसको कहना चाहिए कि हम जाते तो आप नहीं जाते, हम नहीं जा रहे इसलिए आपको मौका मिल रहा। ये मानव मन की निर्बलता है मेरे भाई। देवता भी उनसे मुक्त नहीं। आकाश में विमानों को देखकर सती ने प्रश्न किया है, ये विमान कहाँ जा रहा है। शिव जी ने कहा, देवी आकाश है, यहाँ तो विमान निकलते रहते हैं, आप कथा में ध्यान रखें। बोले, नहीं महाराज, सब देव लोग जा रहे हैं,
बताइए। बोले सुनने के बाद दुख होगा, बोले नहीं बताई। तो कहा तुम्हारे पिता के घर उत्सव है, तुम्हारे पिताजी एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हारी सभी बहनों को बुलाई है, लेकिन मेरे साथ तुम्हारे पिता को कुछ तकलीफ है, मन दुख है, इसलिए आपको नहीं बुलाई। मैं समझता हूं कि तुम्हारे पिता के घर जाने की तुम्हारी इच्छा हो जाए स्वाभाविक है, लेकिन तुम जाओगी तो विरोध होगा, अच्छा नहीं होगा। पिता के घर उत्सव सुनकर सती ने जिद की कि मैं जाऊं। शिवजी ने मना किया कि फायदा नहीं है। बोले नहीं। सती ने सोचा कि शिवजी ने मेरा त्याग किया, इस बहाने में माता पिता को मिलूं तो कम से कम थोड़ा सुख मिले। सुख तो भगवत कथा में ही मिलने वाला था, लेकिन सती वो भगवत कथा का सुख छोड़कर संसार में चली। शिवजी ने बहुत समझाया, नहीं मानी तो दो गण साथ में भेज दिए और सती को कहा ठीक जाओ। सती पिता के घर आती है। दक्ष महाराज ने सबको कड़ी सूचना दी थी कि शंकर तो नहीं आएंगे, लेकिन मेरी पुत्री सती आए तो उनका भी सम्मान मत करना, क्योंकि मैं यज्ञ शिव अपमान के लिए कर रहा हूं। सती जब आई तो पिता ने मुंह फेर लिया, बहन लोग व्यंग करने लगी और सब लोगों ने सती का अपमान किया। एक माता ने सती को प्रेम से बुला करके प्यार किया। इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि संसार में जिसका शिव रुठ जाता है उसका पूरा संसार रुठ जाता है, और जिसका शिव सध जाता है उसका पूरा संसार सध जाता है। सती को बड़ा दुख हुआ। यज्ञ मंडप में गई तो ऋषि आहुति दिलवा रहे हैं, देवता लोग गर्व से बैठे हैं, और दक्ष महाराज का अभिमान तो आसमान को छू रहा था, और पूरे यज्ञ मंडप में कहीं भगवान शंकर का स्थापन नहीं देखा, ब्रह्मा और विष्णु की जगह नहीं देखी। तब सती से नहीं रहा गया, अपने पति का इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। रामायण में लिखा है संत शंभु श्रीपति अपवादा, कहीं संत की निंदा होती हो, कहीं शंकर भगवान की निंदा होती हो और कहीं विष्णु की निंदा होती हो, तो वहां ऐसी मर्यादा है, हो सके तो निंदक को बोलता बंद करो, यदि न हो सके तो नेत्र को कान को मुंद करके वहीं से चले जाओ, लेकिन निंदा में भाग मत लो। हो सके तो उसका प्रतिकार करो, न हो सके तो चले जाओ, लेकिन निंदा में सुनने में भागीदार मत हो। कई लोग ऐसा मानते हैं, हमने निंदा कही का हम तो खड़े थे, वो दो व्यक्ति बात करते, हमने तो केवल सुना। सुनने वाला भी निंदा में गुनेगार है, बोलने वालों से ज्यादा सुनने वाला गुनेगार, क्योंकि बोलने वाले ने तो बमन कर दिया, उल्टी कर दी, जो था निकाल दिया, लेकिन तुमने कानों से भरा। निंदा करे तो नहीं, सुने भी नहीं। निंदा और ईर्ष्या छूट जाए तो जीवन बड़ा दिव्य बन जाए, बहुत मुश्किल है, निंदा नहीं छूटती। और निंदा और ईर्ष्या पता नहीं लोगों को इतनी मीठी लगती है, लोग बस चुक जाते हैं। कोई दो व्यक्ति किसी की निंदा करेंगे तो खड़े रह जाएंगे, बड़ा रस मिलता है, ट्रेन चली जाएगी, बस चली जाएगी, लेकिन निंदा में बड़ी रुचि। कथा सुनते हो तो इन दुर्गुणों पर विजय पाने के लिए अभ्यास करो, किसी की निंदा न करो, किसी की ईर्ष्या न करो। कोई तुम्हारी निंदा करे, कोई तुम्हारी ईर्ष्या करे तो करने दो, करे, इससे हम क्यों नाराज हों। मैं हर वक्त कहता हूं, मानो हम न्यूयॉर्क में कहीं अकेले घूमने निकले और कोई अंग्रेजी में हमको गालियां दे तो हम तो समझेंगे नहीं, कोई तो हमें नाराज होने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में बोलता है वो, हमारी भाषा में कहां बोलता है।
वैसे हमारी कोई निंदा और ईर्ष्या करे तो समझना वो विदेशी भाषा में बोलता है, हमारी मातृभाषा में कहाँ बोलता है। निंदा और दोष दर्शन वो हमारी भाषा नहीं है, भारतीयों की भाषा नहीं है। करने दो, कुत्ता काटे तो कुत्ते को काटना नहीं चाहिए। कोई कुत्ता आपके पैर को काटे तो क्या तुम कुत्ते के पीछे दौड़ोगे? मैं तुम्हें काटूंगा, कुत्ता है काटेगा। ऐसे कोई निंदा करे, कोई दोष दर्शन करे, नाराज मत होना, तुम अपना भजन करो। दुनिया तो है, इसलिए भक्तों ने कहा है सब सुनिएगा और गाना। दुनिया दीवानी हो गई हम भी चलेंगे वन में, दुनिया दीवानी हो गई हम भी चलेंगे वन में। सब गाइए, घबराना मत, जाना नहीं है, गाना ही है क्यों। दुनिया दीवानी हो गई हम भी चलेंगे वन में, दुनिया दीवानी हो गई चलेंगे, दुनिया दीवानी हो गई हम भी चलेंगे वन में, चलेंगे। गंगा में स्नान करके अपना ही ध्यान धर के, गंगा में स्नान करके अपना ही ध्यान धर, 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 गंगा में स्नान करके अपना ही ध्यान धर। मरने से पहले मर के हम भी चलेंगे, मरने से पहले मर के हम भी चलेंगे, मरने से पहले मर के हम भी चलेंगे, मरने से पहले मर के हम भी चलेंगे वन में, मरने से पहले मर के हम भी चलेंगे वन में, मरने से पहले मर के हम भी चलेंगे वन में। दुनिया दीवानी हो गई हम भी चलेंगे वन में, दुनिया दीवानी हो गई हम भी चलेंगे वन में, ये बात पुरानी हो गई हम भी चलेंगे वन में, ये बात पुरानी हो गई हम भी चलेंगे वन में, दुनिया दीवानी हो गई हम भी चलेंगे वन में, दुनिया दीवानी हो गई हम भी चलेंगे वन में। मरने से पहले मर के यानी निंदा ईर्ष्या राग द्वेष से मुक्त हो, इन सब को समाप्त करके गंगा में स्नान करके अपना ही ध्यान धर के, गंगा में स्नान करके अपना ही ध्यान धर, गंगा में स्नान करके अपना ही ध्यान धर के, गंगा में स्नान करके अपना ही ध्यान धर, मरने से पहले मर के हम भी चलेंगे, मरने से पहले मर के हम भी चलेंगे वन में, मरने से पहले मर के हम भी चलेंगे वन में, मरने से पहले मर के हम भी चलेंगे वन में। दुनिया दीवानी हो गई हम चलेंगे वन में, दुनिया दीवानी हो गई हम भी चलेंगे वन में, दुनिया दीवानी हो गई हम चलेंगे वन में, दुनिया दीवानी हो गई हम भी चलेंगे वन में, 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 हम भी चलेंगे वन में। तो निंदा ईर्ष्या सुने भी ना, जीवन बनाना है तो दूसरा करे तो करने दो, क्या तकलीफ है, करे उनकी जीभ से कर रहा है, हमें क्या तकलीफ है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गत यथा सर्वारंभ
परित्यागी यो मद भक्त समेरी प्रिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो उदासीन हो जाता है। एक सूत्र याद रखना मेरे भाई बहन, उदास कभी मत रहना लेकिन उदासीन जरूर रहना। उदास रहना संसारियों का स्वभाव है, उदासीन रहना साधुओं का स्वभाव। उदासीन यानी कुछ भी घटना घटे तुम अपनी स्थिति को संभाल रखो। घटी है यहां जो घटता है उन्हीं की इच्छा के अनुकूल घटता है, कौन हम उनमें विक्षेप कर दें। तो कोई कुछ कहे कहे कहने दो, तो निंदा सुनो ना निंदा करो ना, ईर्ष्या सुने ना ईर्ष्या करे। जो ईर्ष्या छोड़ता है वो परमात्मा को बहुत प्रिय होता है। तो दक्ष महाराज ने अपमान के लिए यज्ञ किया और देवताओं ने उसमें सहमति प्रदान की। इतना ही नहीं, शंकर भगवान का इतना बड़ा अपमान और ऋषि मुनि भी नहीं बोले, वरना ऋषि मुनियों को बोलना चाहिए था कि बिना शंकर स्थापन यज्ञ नहीं हो सकेगा। तुम कितने ही बड़े सम्राट हो ठीक हो, लेकिन शास्त्र विधि से हो, शास्त्र विधि से यज्ञ होगा। लेकिन ऋषि मुनि भी दक्ष के सत्ता के दबाव में आ गए हो, वरना तो कहना चाहिए था। दक्ष ने कहा होगा कि दक्षिणा 3 गुना मिलेगी। तो बीमारी तो उस काल में भी रही, क्योंकि यहां लिखा है ऋषियों को भी दंड दिया गया। ऋषियों को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, लेकिन बीमारी हर युग में दिखाई देती है। प्रतिशत में फर्क है, अंधेरा तो हर युग में रहा लेकिन कलयुग में ज्यादा, सतयुग में कम रहा होगा। यदि सतयुग में ही अंधेरा नहीं होता तो उपनिषद में कभी यह वाक्य आता ही नहीं, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमको अंधेरे से उजाले में ले जाओ, ये सूत्र ही नहीं आता यदि अंधेरा नहीं रहा होता तो। लेकिन मात्रा में फर्क रहा होगा। तो सभी देवताओं को दंडित करती हुई सती एकदम चंडी बन गई। यज्ञ की ज्वाला निकल रही थी, आहुतियां दिए जा रहे, दक्ष गर्व से बड़े खड़े बैठे थे और सती ने कहा कि जिन लोगों ने शंकर का अपमान किया है और जिन्होंने शिव निंदा सुनी है सबको योग्य परिणाम मिलेगा और मिलेगा, और मेरे पिता भलीभांत पछताएंगे कि शिव अपमान का क्या परिणाम है। एकदम उग्र हो गई सती, यज्ञ कुंड के पास खड़ी होकर अपने स्वरूप को चंडी स्वरूप दिया और पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार होने लगा। सोनल समाधा एकदम दुर्गा उठा हो गया, कुंड में अपने शरीर को समाप्त किया, मंडप में हाहाकार हो भगवान शिव के जो गण आए थे वो यज्ञ विध्वंस करने लगे। भगवान शंकर को किसी ने सूचना दी कि महाराज सती जल गई, अपनी जटा चट्टान पर फटकारते हुए
वीर भद्रों को निर्माण किया शंकर ने, और वीर भद्रों के बाद तुम जाओ दक्ष के यज्ञ को समाप्त कर दो। वीरभद्र आता है दक्ष यज्ञ का वो कर दिया, भृगु आदि ऋषियों ने जितना बचाया जाए इतना बचाने की चेष्टा की, जग भय दे दी दक्ष गति दे शंभु विमुख की होई। दक्ष की गति जगत में प्रसिद्ध हुई, शंकर विमुख की क्या हालत होती है और दुनिया को तुलसीदास जी ने बता दिया दक्ष की दुर्गति हो गई, यज्ञ असफल हो गया। दो तीन बात है इसके पीछे, जिस सत्कर्म के पीछे लोक मंगल की भावना नहीं होती ऐसा सत्कर्म कभी फल नहीं देता। यज्ञ बड़ी अच्छी बात है, गीताकार ने कहा कि व्यक्ति सब कुछ त्याग दे लेकिन यज्ञ दान और तप तीन को मत त्यागे, क्योंकि यज्ञ दान और तप बुद्धिमानों की बुद्धि को समय समय पर पवित्र करता है। इसलिए कितना ही बड़ा त्याग आप कर दो लेकिन यज्ञ दान और तप का त्याग गीता की भाषा में मना है। तो यज्ञ बड़ा अद्भुत सत्कर्म है लेकिन उसका हेतु लोक मंगल के लिए होना चाहिए। जिस यज्ञ में विष्णु ही न हो, विष्णु यज्ञ नारायण है साक्षात यज्ञ पुरुष है, तो जिस यज्ञ में यज्ञ पुरुष ही न हो तो वो यज्ञ कैसा। ब्रह्मा का एक नाम है विधि, जिस यज्ञ में विधि ही नहीं विधिहीन यज्ञ कैसा। और शिव का अर्थ है कल्याण, जिस यज्ञ में कल्याण की भावना नहीं वो यज्ञ कैसा। अथवा तो यूं कहे कि सती श्रद्धा है भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, तो शिव है विश्वास भवानी है श्रद्धा, हमारे सत्कर्म में भवानी आ जाए यानी श्रद्धा आ जाए लेकिन विश्वास न आए तो सत्कर्म टिकता नहीं। सत्कर्म में श्रद्धा और विश्वास दोनों चाहिए, पक्का विश्वास दृढ़ भरोसा। सूरदास जी कहते हैं भरोसो दृढ़ इन चरणनि केरो भरोसो। वैष्णव धर्म का बहुत प्रसिद्ध सूरदास जी का कहते हैं, सूरदास जी का ये जीवन का अंतिम पद है। इस पद को गाने के बाद सूरदास जी का गोलोक वास हो गया, शरीर छोड़ दिया सूरदास जी। क्या हस्ती हुई है हिंदुस्तान में, सूर तुलसी कबीर मीरा नानक एकनाथ नामदेव ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई नरसिंह मेहता, हस्ती आप देखें भारत की, अद्भुत व्यक्ति हुए सूरदास जी। उसी का बड़ा प्रसिद्ध पद है गुनगुनाए भरोसो के। श्री वल्लभ नख चंद्र चटाबिनु, श्री वल्लभ नख चंद्र चटाबिनु, सब जग माई अंधेरो भरोसो के। कई लोगों का भरोसा ऐसा होता है कि पानी में लकीर, पानी में आप लकीर करोगे कब तक रहेगी, कुछ समय रहता है छूट जाता है। कई लोगों का भरोसा उससे ज्यादा ऊंचा है, मिट्टी में लकीर रेत में लकीर वो 5-10 मिनट रहती है, लेकिन कई लोग का भरोसा ऐसा है लोहे में लकीर, वो कायमी वो शाश्वत वो पलटती नहीं। बहन लोग रसोई घर में रसोई करें तो
मिर्ची हल्दी मसाला सब्जी में साग भाजी में दाल में डाले तो हाथ हल्दी वाले मिर्ची वाले हो जाए तो वो रंग कब तक रहता है? कपड़े से साफ कर दो तो चला जाता है, बस थोड़ी देर रहता है, साफ किया चला गया। लेकिन चूल्हे पर रही रोटी जिस पर पकती वो तावड़ी को बहन लोग अपने हाथों से उठाएगी और कालापन अंगुली पर लग जाएगा तो वो ज्यादा रहता है, उसको साबुन से साफ करना चाहिए। वो हल्दी जैसा रंग नहीं, वो दूसरे नंबर की श्रद्धा है। हल्दी और मिर्ची जैसे उड़ जाती हैं तुरंत, वो सामान्य स्तर की श्रद्धा है। और कालापन लग जाए साबुन से साफ करना पड़े वो दूसरे स्थान की। लेकिन रसोई करते करते कोई बर्तन को बहन हाथ से भूल से छू ले और हाथ पर फुल्ला हो जाए, वो शिखर वाले दाग लग जाए, दृढ़ हो जाए, सिक्का लग जाए, कभी हटे ना कभी मिटे ना, ये सूर कहता है। दृढ़ बड़ा सुंदर शब्द है, श्री वल्लभ नख चंद्र श्री वल्लभ नख चंद्र सब जग माही अंधेरो भरोसा ही भजन है। भजन की एक स्पष्ट व्याख्या है भरोसा। हजारों बार हरि नाम लो लेकिन भरोसा जब तक नहीं बने, हरि नाम बेकार नहीं जाएगा लेकिन भरोसे के साथ जब उठेगा तब क्रांति में देर नहीं लगती। भरोसा ही भजन है। गोस्वामी जी कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं। विश्वास के बिना भक्ति कैसी, भरोसे के बिना भजन कैसी। दृढ़ भरोसा बनी रहे, बड़ा अद्भुत है सूरदास जी का ये पद। भरोसा श्री वल्लभ नख चंद्र तो सत्कार्य में यदि विश्वास नहीं तो यज्ञ असफल होगा, विधि नहीं तो यज्ञ असफल होगा। यज्ञ नारायण विष्णु का सम्मान नहीं तो कितना ही बड़ा यज्ञ हो असफल रहेगा। और लोक मंगल नहीं तो यज्ञ असफल रहेगा। अथवा तो यूं कहे कि सत्कार कर्म कितना ही बड़ा हो लेकिन जिस सत्कर्म में किसी के अपमान की भावना हो, बलिदान की जगह बदला लेने की वृत्ति हो तो वो कितना भी बड़ा यज्ञ क्यों ना हो उसका कोई फल नहीं। यज्ञ में तो सब स्वाहा करना होता है, उसमें तो सब देना है, मिटाना है, भूलना है, सब जला देना है। आज तक हमसे किसी ने जो कुछ किया वो सब हम भूल जाएं, जला दे, स्वाहा कर दे मंत्रों के साथ, यही तो यज्ञ है। भारतीय ऋषियों ने यज्ञ देकर विश्व पर बड़ा उपकार किया। विश्व की संस्कृति में यज्ञ प्रथा नहीं, जो भारत की प्रथा है यज्ञ, बड़ा अद्भुत है। खुला सत्कर्म, बेपर्दा सत्कर्म, केवल लोक मंगल का सत्कर्म। यज्ञ का धुआं आप अपने घर में यज्ञ करें तो आपके घर पर मर्यादित नहीं रहता, वो पड़ोसी और अगल बगल का आसमान विशुद्ध करता है।
लोक मंगल का सत्कर्म है यज्ञ, दक्ष का यज्ञ विशुद्ध नहीं था, हेतु मलिन था, इसलिए निष्फल हो गया। सती जल गई। जलते समय सती ने भगवान से मांगा कि मेरा दूसरा जन्म स्त्री का ही हो और जन्म जन्म मुझे शंकर भगवान ही पति के रूप में मिले। यही इच्छा के कारण सती का दूसरा जन्म हिमाचल के घर भवानी के रूप, पार्वती के रूप में सती का जन्म हुआ। हिमालय और महिना को इतनी बड़ी उम्र में बेटी मिली, बड़ा उत्सव मनाया गया और पार्वती को पाने के बाद हिमालय की समृद्धि बढ़ने लगी। पार्वती है श्रद्धा। हमारे जीवन में जब श्रद्धा आती है तब हमारा जीवन हरा हो जाता है, जीवन दिव्य बनने लगता है। और जैसे बेटी बड़ी होती है वैसे श्रद्धा को भी बढ़ने देना, श्रद्धा बढ़े। बड़ा सुंदर शब्द है श्रद्धा। त्रिविधा भवती श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा की जो श्रद्धा भगवान कृष्ण ने जो तीन प्रकार की श्रद्धा की जो हमारे यहाँ बात, श्रद्धा बड़ी बड़ी अद्भुत। साधक के जीवन में श्रद्धा बढ़े तो कोई न कोई सदगुरु मिल जाएगा। हिमालय के घर बेटी बड़ी होने लगी और पार्वती बड़ी हुई तो एक दिन अचानक नारद जी आ गए। नारद जी संत हैं, गुरु हैं, बस श्रद्धा बढ़ने दो सदगुरु आ जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं है। वसंत ऋतु आती है बगीचे में वनस्पति पर तो विज्ञापन नहीं देना पड़ता रेडियो पर कि टीवी पर कि वसंत ऋतु आ गई, भंवरे आ जाए, कोकिल बोलने लगे, पपी है कोकिल आ जाए, ऐसा कहना नहीं। वसंत आई, भंवरा आया, श्रद्धा आई, सदगुरु आया। खोजोगे कैसे सदगुरु को? हमारे पास आंख है सदगुरु को पहचानने की, श्रद्धा को बढ़ावा बात बनेगी, अपने आप सदगुरु आ ही जाएगा, घर पर आएगा। श्रद्धा को बढ़ाओ, जब तक सदगुरु न मिले समझना श्रद्धा भी कम है, कम है। बढ़ाओ बढ़ाओ, भजन को बढ़ाते चलो। गोविंद गोविंद गाए जा, पार्वती
बड़ी हुई और नारद जी आ गए, संत पधार। हिमालय और उनकी पत्नी मैना ने नारद का सम्मान किया, पूजा की, अपनी बेटी को नारद के चरण में वंदन करवाया, आशीर्वाद दिया, संत का सत्कार किया बहुत प्यार से, और उसके बाद करबद्ध प्रार्थना की, भगवान त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहूं साकी दूषण मुनि वरद विचारी। आप त्रिकालज्ञ हैं नारद जी, सर्वज्ञ हैं, हर जगह पर आपकी गति है, आप पधारे ही हैं, तो मेरी बेटी के हाथ की रेखा देखकर जरा उसका भविष्य बताएं कि मेरी बेटी के भविष्य में कौन से अच्छे ग्रह हैं, कौन से बुरे ग्रह। नारद जी ने पार्वती के हाथ की रेखाओं को देखकर कहा, हिमालय तुम्हारी बेटी बहुत महान होगी, पतिव्रता धर्म की आचार्या होगी, उसका सौभाग्य अखंड होगा, तुम्हारी बेटी तुम्हें माता पिता को यश और प्रतिष्ठा दिलाएगी, तुम्हारे कुल को रोशन करेगी, तुम्हारी बेटी के मंदिर बनेंगे और जगदम्बा के रूप में संसार में तुम्हारी बेटी की पूजा होगी, भवानी की पूजा होगी, लोग उसको अम्बा कहेंगे, मां कहेंगे, तुम बड़भागी हो ऐसी बेटी के बाप बने। सब अच्छी बातें नारद जी ने बताई, लेकिन बताते बताते कहा, एक दो रेखा जरा उल्टी है, सो भी सुन लीजिए, ज्योतिषियों का ये स्वभाव होता है, पहले सब अच्छी बात बताएंगे, बाद में धीरे से कहेंगे एक ग्रह की जरा तकलीफ है और आप इतना जप कराएंगे तो हो जाएगा। एक दो रेखाएं जरा उल्टी हैं, बोले क्या है? बोले तुम्हारी बेटी को पति कैसा मिलेगा? अगुण अमान मातु पितु हीना। आपकी बेटी को पति ऐसा मिलेगा जो अगुण होगा, अमान होगा, जिसको माता पिता नहीं, उदासीन होगा, स्मशान में रहता होगा, भस्मांग होगा, भिक्षा मांगकर पेट भरता होगा, ऐसा पति तुम्हारी बेटी को मिलेगा, ऐसी रेखा हाथ में है। माता पिता रोने लगे कि इतनी सुंदर बेटी को ऐसा पति मिले, आंसू आ गए, लेकिन पार्वती की आंख में भी आंसू, लेकिन ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि समझ गई कि नारद जी जिसका वर्णन कर रहे हैं वो भगवान शंकर के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि शंकर जी उदासीन है, भस्मांग है, स्मशान में रहते हैं, उनको कोई माता पिता है ही नहीं, इसलिए तो पुष्प दंत कहते हैं। आप अजन्मा है भगवान, शिव जी का कोई जन्म नहीं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि शिवरात्रि शंकर भगवान का जन्मदिन है, जन्माष्टमी कृष्ण जन्म हो तो ठीक है, रामनवमी राम जी का जन्म, लेकिन लोग मानते हैं कि शिवरात्रि है वो शंकर जी का जन्मदिन, नहीं, शंकर जी का कोई जन्मदिन है ही नहीं, शिव अजन्मा है, उसका उनके माँ बाप कौन, कोई है ही नहीं। कुछ लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि शंकर और शिव बिलग है, मैं सुबह चर्चा कर रहा, अगर कुछ ऐसे ऐसे विघटनवादी लोग हैं संप्रदायों के नाम पर जो भारतीय परंपरा पर प्रहार कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग, कुछ संप्रदाय वाले, कुछ पंथ वाले लोग ऐसा कहते हैं शिव बिलग है शंकर बिलग है, कमाल है। कुछ लोग कहते हैं गीता कृष्ण ने कही ही नहीं, बोलो उसको मैसेज आया ऊपर से, संदेश किसी ने भेजा कि गीता कृष्ण ने नहीं, और तर्क लगाते हैं कि गीता में कहीं कृष्ण ने कहा, कृष्ण उवाच ऐसा लिखा ही नहीं, भगवान उवाच ऐसा ही लिखा है, इसलिए गीता कृष्ण ने नहीं कही, बोलिए
छोटे बड़े पंथ जिसकी आयुष्य किसी की 50 साल की, किसी की 100 साल की, किसी की 2 साल की, ऐसे छोटे बड़े किसी की 500 साल की, ऐसे छोटे बड़े पंथों ने सनातन मार्ग को रूंधने का बुद्धिपूर्वक दाम्भिक प्रयास किया है। सावधान रहना, शिव और शंकर बिलग, शंकर तो नाम है और शिव है विशेषण। शंकर कैसे, तो बोले शिव है, कल्याणकारी है, शिव का अर्थ है कल्याण, शंकर नाम है उसका, शंकर भगवान वो नाम है शंकर, शिव है उसका विशेषण। विशेषण शंकर भगवान ने इतना चरितार्थ कर दिया कि विशेषण नाम हो गए। जब कोई हमको विशेषण दे तो व्यक्ति विशेषण को जब चरितार्थ कर दे, पूरा जी ले, तो विशेषण उसका नाम बन जाता, विशेषण पलट जाता, संज्ञा बन जाता। तो भगवान शंकर नाम है, शिव उसका विशेषण, शिव बिलग और शंकर बिलग, ऐसा कोई समझाए तो भ्रांति में मत जाना मेरे भाई, ऐसे भी पंथ निकले, कमाल है। हमको एक बार ऐसे कोई पंथ के लोग मिलने आए तो हमको कहे कि आंखों से आंखों मिलाओ, ले। अरे मैंने कहा बात क्या है, है क्या, बोलो जरा। बोले आंखों से आंख मिलाओ, लेकिन है क्या, ऐसा लोग करते आंखों से आंख त्राटक करते, टक टक ये लगाते। हमने कहा माता जी हम ताटक वाले नहीं हैं और हम नाटक वाले भी नहीं हैं, हम तो फाटक वाले हैं कि जब ऐसा लगे तब फाटक बंद करते हैं ताकि अकस्मात न हो जाए, और जब ऐसा लगे तब फाटक खोल देते हैं ताकि सनातन संस्कृति के राजमार्ग पर ले। न ताटक हमारा स्वभाव है, न नाटक हमारा जीवन है, हम तो हैं फाटक वाले, द्वार खोलने वाले हैं। ऐसा ऐसे पंथ निकल पड़े बहुत, क्या बताएं, हिंदुस्तान में तो ढेर है और यहां भी आ जाते हैं लोग। सावधान रहना, बस अच्छी बात हो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ऐसा मूल धारा से विचलित करने की जो चेष्टा है वो गंदी चेष्टा है, इसीलिए हम बोलते कुछ होने वाला तो नहीं, ये बेचारे क्या कर सकते हैं। हिंदुस्तान का जो भारतीय परंपरा है वो तो इतनी मजबूत है, उसको ये क्या कर सकते, लेकिन चेष्टा करते हैं, सावधान रहना। तो शिव शंकर बिलग नहीं है, दोनों एक है। गोस्वामी जी गीतावली में कहते दरबार अवध आजो दूधो बड़ो प्रमाणिक ग्राम आपका नाम शंकर शिव विशेष Oh,
शंकर और शिव बिलग नहीं है, एक ही है। लोग भड़काएं, गैर समझ पैदा करें तो सावधान रहना। तो जिसको माता पिता नहीं वो शिव हैं, क्योंकि उनका कोई जन्म नहीं है। भवानी समझ गई कि नारद जी ने जिसका वर्णन किया वो भगवान शंकर ही हो सकते। हिमालय ने नारद के पैर पकड़कर कहा कि बाबा आप कहो इतने हम अनुष्ठान करें, यज्ञ याग करें, लेकिन मेरी बेटी को आपने जो वर मिलने की बात कही ऐसा वर नहीं मिलना चाहिए। इतनी खूबसूरत मेरी बेटी, और आप कहते हैं स्मशान में रहने वाला, भस्म लगाने वाला, भिक्षा से पेट भरने वाला, मनुष्य की खोपड़ी की माला पहनने वाला पति उसको मिले? आप कहें वो सत्कर्म हम करें बाबा, लेकिन कुछ परिवर्तन करें। नारद जी ने कहा हिमाचल विधाता ने जो लेख लिखा उसको देव दनुज नर नाग मुनि कोई मिटा नहीं सकता। एक बात हो सकती है हिमाचल। बोले क्या? मैंने भर के जो जो दोष आपको बताए वो मेरे अनुमान से भगवान शिव जी के पास है, और शिव जी तुम्हारी बेटी को पति के रूप में मिल जाए तो दूषण भूषण हो जाएंगे, तुम धन्य हो जाओगे, लेकिन शिव जी को पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। शिव जी ऐसे नहीं मिलते। तुम्हारी बेटी को कहो कि वो तप करे, मेरा आशीष आशीर्वाद है कि उनको शिव की प्राप्ति होगी, लेकिन स्वयं तप करे और शिव मिल जाए तो तुम धन्य हो जाओगे। बहुत सुंदर सूत्र दिया नारद जी ने, भविष्य की बात बता करके कहा कि जब तप तुम्हारी बेटी स्वयं करे। नारद जी ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए जप तप कर दूं, वरना ऐसा एक लोग करते हैं किसी के लिए जब तक हो सके हो भी सकता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मूल बात तो संत साधु कर भी सकते हैं दूसरों के लिए जब तक, और फायदा दूसरों को हो भी सकता है, लेकिन स्वयं करने में जो आनंद आता है वो उधार साधना में आनंद। स्वयं करो, भोजन और भजन खुद करोगे तभी तृप्ति होगी। भोजन जैसे खुद करोगे अपनी तृप्ति के लिए तभी आनंद होगा, वैसे भजन भी स्वयं करो। हम किसी के घर मेहमान जाए हुआ और घर वाले सब कहें कि आप थके हैं, आप सो जाइए, खाओ मत, हम खा लेते हैं, आप इतने दूर से आए आपको कष्ट क्या दे, एक तो आप थके हुए हैं और हम आपको भोजन का कष्ट दे, आराम करें आप, हम भोजन कर लें, तो होता है तृप्ति क्या? वैसे भजन भी स्वयं करो, खुद करो, जितना कर पाओ स्वयं करो। दूसरा, आपका भजन बढ़ेगा तो कोई संत के आशीर्वाद मिलते रहेंगे, लेकिन खुद करो उधार साधना में। आजकल लोगों को ऐसा हो गया कि कोई कर दे, कोई हम कोई चमत्कार कर दे, कोई कंकु निकाल दे, कोई नारियल निकाल दे, कोई नारियल में से चुंदड़ी निकाल, ऐसा लोग करते, सौराष्ट्र में देश में ऐसा होता है, ऐसा चमत्कार खबर नहीं कैसे होते। मैं नेहरू भी गया तो मुझे एक भाई कहते थे कि हमारे गुरुदेव ने देश में से आकाश में से नारियल भेजा, लो बिना पासपोर्ट बिना वैसे आ गए। मैंने कहा कमाल है, हमने तो नाम भी नहीं सुना देश में और यहाँ नारियल भेज रहे हैं, ऐसा चलता है, कमाल है। और आप लोग पता नहीं, रोज समय पर सूरज निकलता है वो सबसे बड़ा चमत्कार है। समुद्र अपनी मर्यादा में गर्जना कर रहा है वो सबसे बड़ा चमत्कार है। धूप का महीना पूरा होता है और आकाश में बादल उमड़ आते हैं। Thank you.
वर्षा का राग है। वर्षा के बादल अपने आप उमड़ आए, वो चमत्कार नहीं। हम सो जाएं और सुबह में कोई हमको जगा दे, वो चमत्कार नहीं। क्या चमत्कार आप चाहते हैं? किसी ने कुछ ये कर दिया, ये तो एक खेल है, और शायद हो भी तो भी हमारा कल्याण क्या है? मान लो कि हो तो भी कल्याण क्या हा? लेकिन लोगों को स्वयं साधना नहीं करना है और ऐसे चमत्कारों में फंसते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, भजन स्वयं करो, चमत्कारों में फंसना मत। लोग हमारे पास चमत्कार की बहुत से लोग बातें करते, लेकिन हमको आज तक किसी ने चमत्कार दिखाया? हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमको चमत्कार दिखा, शायद अच्छा लगे क्या इसमें, लेकिन हमारा सद्भाग्य नहीं, खबर नहीं। आपका तब बड़ा जोरदार है कि आपको मिल जाते। इनमें फंसना मत, सात्विक पथ पर चलना हो तो भी, ऐसी विद्या होती होगी हमको बता नहीं, तो कर सकते होंगे लोग, लेकिन इससे क्या फायदा, क्या मिला? संसार में परिवर्तन कर सकते हैं सर्जन परमात्मा के बिना कोई कर नहीं सकता। कोई आपको ऐसा हाथ करके आपको बर्फी का टुकड़ा दे दे, तो उसने बनाया नहीं, तांत्रिक विद्या से किसी की दुकान से बर्फी चोर ली है, एक खूबसूरत चोरी है। बना नहीं पाता दुनिया में कोई सिवा परमात्मा। परिवर्तन हो सकता है, लकड़ी को जलाकर आप भस्म कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी परमात्मा ने बनाई। परिवर्तन कर सकते हैं आप, कोयला बना सकते हैं, कोयली से भस्म बना सकते हैं, भस्म से पुनः मिट्टी बना सकते हैं, परिवर्तन हो सकता है, मूल सर्जन केवल ईश्वर करता है। तो ये जो चमत्कार वाली बातें हैं उसमें लोग कभी कभी फंस जाते हैं, इसलिए हम ये चर्चा करते हैं, खास करके बहन लोग। अंध श्रद्धा में, श्रद्धा अंध होनी ही नहीं चाहिए, श्रद्धा तो त्रिलोचन की पत्नी है, शंकर की पत्नी है, उसमें अंधता होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी अंध श्रद्धा शब्द प्रयोग किया जाता है, इसलिए कर रहा हूं कि बहन लोग फंस जाती है। कई लोग तो आते हैं ना देश में भी, लाओ आपके गहने हम दुगुना करा देंगे, लोग दे देते हैं और वो न कहीं पता न कुछ ठिकाना, ऐसा लोग फंस जाते। सावधान रहना, हरि भजन करो, बस प्रारब्ध भोगो, नीति से काम करो, और जितना समय मिले इतना इतना ठाकुर का भजन करो, जीवन नौका तैर जाएगी, क्यों फंसते हो हा? जो छोटे बड़े तो स्वयं भजन करो बस। नारद जी ने ये बड़ी सुंदर सूचना दी, और हम तो हर वक्त कथा में कहते हैं कि हो सके तो बहुत किसी को अपने हाथ की रेखाएं, जन्म कुंडली सबको दिखाना मत। होगा होगा, भगवान के नाम पर चलो, हनुमान चालीसा करो, सब ग्रह ठीक हो जाएंगे। मंगल भवन का नाम लो, तुम्हारा मंगल ठीक हो जाएगा। बहुत कई लोग ऐसे बहुत दिखाते ही रहते हैं जहां जाए, बस हमारे पास भी कई लोग आते हैं, तेरा बापू देख दो। मैंने कहा अभी हमको हमारा पता नहीं, तेरा क्या देखे भाई, हमको भी हमारा कोई ठिकाना नहीं। बदलते फकीरों का नया मंजर, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी, हमको हमारा कोई नहीं, तुम्हारा क्या देखे। मैं जब पहली बार अमेरिका आया तो यहां से जा रहा था, तो लंदन स्टॉप हुआ, वहां से जब मैं भारत के लिए चला तो एक एयर होस्टेस बार बार मुझे पूछे आपके लिए क्या सेवा करें,
फल दे, ये दे ये दे, मेरी बहुत देखभाल वो कर रही। तो मुझे डर लगा, डर नहीं डर है इस बात पर कह रहा कि उसको कुछ स्वार्थ लगता है। मुझे ये हुआ कि ये बिना इतनी मेरी देखभाल नहीं करते, किसी को नहीं पूछती और मुझे ही पूछ रही है आपके लिए क्या करें क्या करें। मैंने कहा कि क्या बात है। तो प्लेन जब अपनी उड़ान पर आ गया तब मेरे बगल में सीट खाली थी, तो वहां आकर बैठ गया। मुझे कहे कि आप ज्योतिष में जानते हैं? तो मैं समझ गया कि अब ठीक है, बस मेरी देखभाल हो रही थी इसका कारण ये। हमारे सौराष्ट्र में एक कहानी कही जाती है कि एक दरबार भिंडा आता है ना, सब्जी भिंडा का, वो अपने खेत से अपनी बाड़ी से भिंडा, ताजा भिंडा लेकर सेठ की दुकान गया और करीब एक शेर भिंडा होगा तो सेठ की दुकान पर रखा कि सेठ जी लो ये भिंडा पहला उतरा है मेरी बाड़ी में और आप पहले खाएं सब्जी बनाकर। सेठ जी ने कहा दरबार आपकी बड़ी दया है छोड़िए। बोले नहीं 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 सेठ जी, आप हमारे गांव के मुख्य आदमी हैं, रखो बलात् रख दिया। सेठ बड़ा सावधान कि कभी किसी चीज इस आदमी ने मुझे दी नहीं और आज ये भिंडा अपने आप देने आया है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। उसने वही का वही रखा। दरबार तो चले गए, उसकी पत्नी आई कि वो बहुत सुंदर भिंडा ताजा भिंडा साग बनाए। बोले ठहर तुम भीतर जाओ, मैं बाद में लेकर आता हूं। पत्नी ने कहा लेकिन, बोले नहीं मुझे शक है। सेठ ने कहा क्या? कि भिंडे के पीछे कुछ और आ रहा है। ये बात कर रहे थे पत्नी के साथ, इतने में 10 मिनट के बाद वही दरबार आया। कहा सेठ जी 200 रुपया चाहिए। बोले भिंडा पड़ा है ले जाओ, मुझे पता था कि भिंडा के पीछे कुछ आ रहा है। तो उसने जब मुझे पूछा कि आप ज्योतिष के बारे में कुछ जानते हैं, तो मैंने कहा बहन जी मैं कुछ नहीं जानता, ज्योतिष शास्त्र बड़ा अद्भुत है, उस पर हमारा विश्वास भी है, हम शास्त्र को आदर देते हैं, लेकिन हम उसमें जानते नहीं, हमारा कोई अभ्यास नहीं, हम क्या आपको बताएं, और हमको रुचि भी नहीं किसी को दिखाए किसी का देखे। बोले नहीं आप न जानते हो, ऐसा कैसे हो, आप अमेरिका जाते हो? ले मैंने कहा मन में तू कई बार अमेरिका हुआ, ले देख मेरा हाथ, तू तो हर रोज जाती है अमेरिका और लौटती है, अमेरिका जाए वो सब देख लेता है क्या। मेरा बहुत समय उसने लिया, तो थोड़ा कठोर होकर मैंने कहा कि बहन जी आप मेरा समय न बिगाड़ें, मैं कुछ नहीं जानता इस बात में, आप कोई ज्ञानी हो इस शास्त्र का उसको पूछो। तो मैंने जरा कठोर बन के कह दिया कि आप मुझे विक्षेप न करें। उसके बाद बंबई तक उसने पानी का नहीं पूछा मुझे। जब मेरे बगल से निकलती तो न पूछा पानी। मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि ये शास्त्र बड़ा अद्भुत है, ज्योतिष निशंक अद्भुत है, उसके मालमी हो उसके विद्वान हो तो पूरा गणित है, ये तो भारतीय शास्त्र है, उसका इनकार कैसे कर। लेकिन उसको कहने वाला बड़ा मालमी और परखी होना चाहिए, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इधर उधर दिखाना मत बस, वरना तकलीफ हो सकती। एक 60-70 साल की बूढ़ी माता जी ट्रेन से उतरी, ग्रामीण महिला थी। तो जैसे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा रास्ते पर कुछ ऐसे लोग बैठते हैं, पिंजड़ा रखते हैं उसमें पक्षी होता है, और बंद कवर रखते हैं ज्योतिष का, और एक रुपया दो तो वो चिट्ठी निकालेगा वो पक्षी, और उसमें हमारा भविष्य होता है, पिंजड़े वाला पक्षी हमारा भविष्य बताता है, जो खुद फुटपाथ पर है वो बंगलो वाला का भविष्य देखता है, कमाल। तो माँ जी ने कभी सुना था कि ऐसे
पक्षी से चिट्ठी निकलवाए तो उसमें अपना भविष्य। वो बेचारी गरीब थी, 70 साल की, पति मर गया था, बेटा मर गया था, अकेली थी, दुखी दुखी, तो उसको लगा कि जरा पूछे भविष्य। तो 1 रुपया बड़ी मुश्किल से ये जमाने की बात बचाया था। वो ज्योतिषी के पास गई और कहा कि ज्योतिषी बाबा ये मुझे मेरा भविष्य बताओ। बोले 1 रुपया दो। दिया तो पक्षी ने चिट्ठी खींची, ज्योतिषी ने चिट्ठी ली और उसमें आया, माँ जी ने पूछा क्या आया, बोले इसमें लिखा है आपकी शादी 1 साल में हो। अरे ऐसा हो जाता है, अपरिपक्व व्यक्तियों से ऐसी बात न पूछे। विद्या तो बड़ी दिव्य है लेकिन कोई उसको जानने वाला हो तो ही। तो नारद जी ने बड़ी सुंदर बात बताई कि तुम्हारी बेटी स्वयं तपस्या करे। आशीर्वाद देकर नारद गए और यहां सुबह हुई। पति पत्नी ने फैसला कर लिया कि पार्वती को तप करने को कहना ही चाहिए क्योंकि नारद का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। पार्वती की माता मैना पार्वती को तप की सूचना देने के लिए आई लेकिन बोल नहीं पाई। बेटी तप करने जाए वो कैसे सहा जाए। यहां पार्वती ने सामने से मां को कहा कि मां मुझे एक सपना आया और सपने में एक गौर ब्राह्मण ने मुझे आदेश दिया है कि भवानी तप कर। मां ब्राह्मण ने मुझे सपने में कहा है तप कर और मुझे तप की महिमा सुनाई है। यहां गोस्वामी जी तप की महिमा का गान करते हैं, तप से ही संसार चल रहा है। गोस्वामी जी बड़ी मधुर चौपाइयां लिखते हैं, आइए सुने। पार्वती ने कहा मां को मुझे ब्राह्मण ने ऐसा कहा। तप Oh,
सर्जन करते हैं, तप के बल से विष्णु परिपालन करते हैं, तप से ही शंकर भगवान समय पर सबका लय करते हैं, तप के आधार पर ही शेष नारायण धरती को अपने सर पर धारण करते हैं। हे पार्वती, पूरी सृष्टि तप के अधीन है, इसलिए तुम भी तप करो। जीवन में भगवान सब प्रकार की सुविधा दे तो भी अंतःकरण से तपस्वी बनना। बिना तप, बिना थोड़ा तपे जीवन में मधुरता नहीं आती। आलू पानी में डालकर आप उसको उबालोगे तभी मीठा होगा, ठंडे पानी में रखो तो बदबू आ जाती। वैसे जीवन भारतीयों ने तो तपस्या की है ना, सब तरह की सुविधाएं तुम्हारे कदम चूम रही है, फिर भी तपस्वी रहो। भोगों ने आदमियों को ढीला बना दिया, जरूर भोग भोगों कोई मना नहीं, लेकिन सावधानी के साथ थोड़ा तप भी करो, थोड़ा कष्ट करो। जीवन तप से बनता है। रामायण में तो लिखा है, बिना तप तेज का विस्तार नहीं होता। अब बहुत अच्छा खाना खाएं तो आपका शरीर बढ़ेगा, तेज नहीं बढ़ेगा। कई लोग मानते हैं ना, घी खाओ ऋणम कृत्वा, कर्जा करो लेकिन घी पियो तो शरीर बढ़ेगा, लेकिन तेज नहीं बढ़ेगा। तेज तो बढ़ता है तप से। तो खाओ जरूर खाओ, लेकिन थोड़ा तपस्वी भी रहो। कई लोगों का जीवन सूत्र है बस खाना, खाते ही रहो। तपस्वी बनो थोड़ा, जीवन ठीक रहे। बहुत खाने से, बहुत भारी खुराक खाने से तुम्हारा जीवन आलस से भर जाए, तमोगुण बढ़ेगा, निद्रा बढ़ेगी, शरीर बढ़ जाएगा, तो आप अशांत हो जाओ। रेलवे स्टेशनों में हिंदुस्तान में वो होता है, यहीं भी होता होगा एयरपोर्ट पे, कहीं वजन नापने का वो मशीन लगता है, तो कुछ पैसे डालें और उस पर हम खड़े रहे तो उसमें से टिकट निकलती है, उसमें वजन होता है और उसके पीछे कुछ लिखा हो या कुछ फोटो हो ऐसा कुछ निकलता है। तो एक आदमी इस मशीन पर चढ़ा अपने वजन को नापने के लिए, तो जो डालना था मशीन में वो उसने डाला, तो एकदम नियम के अनुसार टिकट निकली, लेकिन उसमें उसका वजन नहीं लिखा था। ऐसा लिखा था, पूरे परिवार को एक साथ मशीन पर चढ़ना मना है। मशीन त्राहिमाम पुकार गया, कितना खा खा कर उसने शरीर ऐसा किया, मशीन को लगा कि पूरा परिवार चढ़ गया ऐसा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं
वंश विधाता अपमन सकल सपने में आचार्य ने कहा है कि बेटी तुम तप करो। माँ मैं तप करने के लिए वन में जाऊं? माता पिता ने निर्णय किया था जो प्रस्ताव रखने का वो स्वयं सामने से बेटी ने रखा। सफेद वस्त्र परिधान कर लिए और पार्वती शिव को पाने के लिए तपस्या के मार्ग चले। माता पिता विदा देने गए, बेटी जा रही है तपस्या के लिए, माँ बाप रोए। रामचरितमानस में लिखा है वेदशिरा नामक एक महात्मा आए, उसने हिमाचल और मैना को समझाया कि दुखी मत हो, कि तुम्हारी बेटी हुई ये तो तुम्हारा परम सौभाग्य है, बाकी जगदम्बा भवानी स्वयं। प्रबोध होते ही माता पिता शांत हुए और भवानी तपस्थली की ओर गई। वन में जाकर इतनी कोमल उम्र में, इतनी युवा वय में कठिन तपस्या की शिव को पाने की। कुछ साल तक कंद मूल फल खाए, उसके बाद केवल पत्ते खाए। कहते हैं उसके बाद हरे पत्ते नहीं, सूखे पत्ते जो अपने आप गिर जाते वो खाती थी। केवल पानी पर निर्वाह शुरू किया, शरीर सूखने लगा, तपस्या से तेज विस्तार होने लगा। तब तो अपनी असर दिखाएगा ही। आकाशवाणी हुई, पार्वती तुम्हारे मनोरथ सफल हो गए, भगवान शंकर तुमको जरूर मिलेगा। तुम्हारे माता पिता जब बुलाएंगे तब हट छोड़कर घर चली जाना, अब शिव प्रिया तुम हो सकोगी, हमारा आशीर्वाद है। पार्वती को आशीर्वाद मिला, बहुत आनंदित हुई और उसकी तपस्या सफल हो। दूसरी बार गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती की कथा तो मैंने आपको सुनाई कि वो दक्ष के यज्ञ में जल गई, दूसरा जन्म लिया, नारद को गुरु माना, उसके कहने पर उसने कठिन तपस्या की और आकाशवाणी ने उसको फल सुना दिया। लेकिन भगवान शंकर का क्या हुआ, उसकी बात कहती हुई गोस्वामी जी कहते चरित्र तो कहा, अब शंकर का चरित्र सुनिए कि शिवजी का क्या हुआ। शिवजी पार्वती के विरह में कहां रहे, क्या कर रहे थे, इस कथा गोस्वामी जी हमको इस कथा में ले जा रहे हैं। लेकिन इस कथा में प्रवेश करें इससे पूर्व आइए कुछ क्षणों के लिए हरि नाम संकीर्तन करें भाव और श्रद्धा के साथ।
मेरो राधा रमन कीर्तन है, आप भाव से करें, शब्द सुन लिए, सुन लीजिए। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। पहले हम गाएं, उसके बाद आप समझ करके ठीक से गाएं, ताल में लय में। मेरो राधा रमन गिरिधारी श्याम
मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी
राम जय राम जय जय राम जय 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 राम जय राम जय जय राम पता होगा आज रथ यात्रा का दिन है। वैसे तो हिंदुस्तान में तो एक इतना समय का फर्क है, लेकिन अषाढ़ शुक्ला दूज है, रथ यात्रा का दिन है। आज के यहां के समय के अनुसार आज ये तारीख लगी, वहां इतना समय का अंतर है। तो रथ यात्रा तो जगन्नाथ जी की है, वहीं का ही ये वो है। हरि बोल नारा जगन्नाथ का है, गौरांग चैतन्य महाप्रभु का है। उसने तो वृंदावन को उजागर किया था, तो इस महापुरुष के स्मरण में, इस भव्य रथ यात्रा और जगन्नाथी संस्कृति के स्मरण में भाव से कुछ क्षणों के लिए, एक भाव से मन हरि बोल 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 हरि बोल
ये होता होगा, हमने कई बार कथाओं में इसका स्पष्ट उसकी स्पष्टता की है कि ये हाथ क्यों ऊपर उठा, ये कवायत क्यों। आपको ऐसा होता होगा कि ये क्या हाथ ऊपर उठाना, ये वृंदावन की पद्धति है, उनके कुछ अर्थ है। एक तो हाथ ऊपर इसलिए उठाया जा रहा है कि इधर उधर हाथ करने की कहीं जगह नहीं, आगे हाथ फैलाएंगे तो कोई देता नहीं और देता है तो भीख देता है, भीख हमें चाहिए नहीं, पीछे हाथ रखेंगे तो कोई मरोड़ देता है। अब एक ही जगह है जहां हाथ उठाने में कोई रोक टोक नहीं, और वो आसमान। इसलिए हम भारतीय जब भी बात करते हैं तो भगवान का निवास ऊपर मानते हैं, भगवान बसता है, अवकाश है इतना विशाल है, तो जहां हाथ को कोई रोक टोक नहीं है इसलिए हाथ ऊपर उठाया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, जब बच्चा रो रहा है और माँ अपनी सखी सहेली से बातचीत में व्यस्त है और बालक को उठाती नहीं, तो नीचे खड़ा बच्चा रोदन करता हुआ अंत में हाथ ऊपर उठाता है, और जब हाथ उठाकर रोता है तब उसकी माँ झुककर उसको उठा लेती है। वृंदावन के साधु श्री राधा जी को याद करते समय रोते हैं और राधा जी उनके सामने नहीं देखती तब हाथ ऊपर उठा देती है। राधा का बड़ा महत्व है श्री वृंदावन। राधा नहीं होती तो वृंदावन का कोई मूल्य नहीं। कृष्ण तो ब्रज छोड़कर जाते भी हैं लेकिन राधा तो कायम वहीं की वहीं रहती। इसलिए आज भी भारत के ब्रज भूमि पर ऐसी कहावत हो गई है कि राधे बिना श्याम आधे, कृष्ण आधा हो जाता है बिना श्री राधे जू को। इसलिए राधे जू का बड़ा महत्व है। आप कभी वृंदावन गए होंगे, जाओ तो राधा जी की जन्मस्थली बरसाना देखियो, जहां श्री किशोरी जी का जन्म हुआ है। बड़ी प्रेम भूमि है ब्रज भूमि, प्रेम की भूमि है, बड़ा अनूठा प्रदेश है श्री वृंदावन का। ब्रज रज की, जमुना जल की, ब्रज के वृक्षों की, ब्रज के पक्षियों की बड़ी महिमा है। वैष्णवी विचारधारा वृंदावन भाव जगत में, शरीर भले ही अमेरिका में रहा हो, चले ही श्री वृंदावन, चले ही श्री ब्रज भूमि। आज भी वहां के लोगों को कृष्ण की याद में आप रोते पाओगे। आज भी एक कली चल रहा है लेकिन ब्रजवासियों को जब कृष्ण की याद दिलाओगे तो नेत्र छलक जाते हैं। ब्रज ब्रज इसलिए संतों ने गाया था, निश दिन बारिश ऋतु हम
कथा बड़ी रही हम वृंदावन में कथा कह रहे थे। एक ब्रजवासी ने हमको कुछ सुनाया, हमको बड़ा अद्भुत लगा। आज भी ब्रज भूमि में ऐसे गांव हैं और इस गांव में ऐसे परिवार बसते हैं जो गाय को पालते हैं, दूध जमाते हैं, मक्खन निकालते हैं, लेकिन मक्खन निकालने के बाद वो मक्खन को पेटी में, अलमारी में, कहीं पात्र में रखकर उस पर ढांकते नहीं, मक्खन पात्र में लेकर आंगन में खुला रखते। आज भी ऊपर कचरा गिरेगा, कोई जूठा कर देगा, वो खुला आंगन में रखते, घर में नहीं रखते। पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हो आप, तो ब्रजवासी कहते हैं हमारे कृष्ण का क्या भरोसा कब आए। हम अपनी अलमारी में, हम पेटी पटारों में माखन को छिपा देंगे तो उसको ढूंढने का कष्ट हो। एक तो चोरी का इल्जाम उस पर लगा हुआ है, हम दोबारा उसको कष्ट नहीं देना। धन्य है इस ब्रज भाव, धन्य है इस वृंदावन प्रेम को। और सौराष्ट्र में जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अंत में द्वारिका में रहे और उसने शरीर छोड़ा सौराष्ट्र की भूमि में, प्रभास क्षेत्र में, भगवान सोमनाथ की भूमि में उसने शरीर छोड़ा। आप जानते हैं इतिहास, पुराण की जो कथा। आज भी सौराष्ट्र में जो पशुपालन कौम पशुपालन करती है, जो बस्ती अब तो नाम बदल गए, आहिर मेहर ऐसी कौम है सौराष्ट्र की ज्ञातियां, वो अपने आप को कृष्ण के वंशज मानते हैं। इसीलिए आज भी सौराष्ट्र की कुछ ज्ञाति की महिलाएं अपने शरीर पर काले रंग के कपड़े हैं। उसको पूछो तो कहेंगे भगवान श्री कृष्ण चले गए, बाद में हमारे लिए रंगीन कपड़े ठीक नहीं। वृंदावन साबन नहीं, नंद गाँव सा गाँव,
गली बट सो बट नहीं कृष्ण नाम साना निकले तू कामा मिलगो मुरारी पादार पित चित्तवृत्ति याद कम को वशाद हो गोविंद राम वर तो ब्रज का भाव अद्भुत है मिलना मुश्किल हुआ क्योंकि मोरे पाव पड़ी जंजीर अब मिलना मुश्किल हुआ मोरे पाव पड़ी जंजीर। कृष्ण के विरह में गोपियां जो रोई उसके रुदन के आंसू से ही यमुना बहती है। कहने का तात्पर्य ब्रज प्रेम अद्भुत है। आज भी ब्रज में प्रेम उछल रहा है। तुम्हारे हृदय में व्यवस्था हो तो तुम्हारे पास आंख हो तो आज भी ब्रज के वृक्षों के पीछे श्रद्धा और विश्वास है तो कृष्ण दिखाई देता। वैष्णव तो कहते हैं ब्रज छोड़कर भगवान एक कदम भी कहीं गए नहीं, सदैव ब्रज में निवास। ब्रजवासियों का वियोग भक्ति की चरम सीमा है। कैसे जाऊं से आ जाऊं।
ब्रज की बातें बड़ी दिव्य हैं। तो ब्रज में संतों का एक नियम हो गया, राधा जी को याद करते हुए जैसे बच्चा रोकर हाथ ऊपर उठाता है, वैसे संत लोग अपने हाथ को ऊपर उठा करके जय जय श्री राधे का नारा लगाते, इसलिए भाव से जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। बस तो आज का प्रवचन यहाँ विराम ले रहा है। भगवान शिव जी का क्या हुआ उसकी कथा कल दोपहर 1 बजे शुरू होगी। आप सब जानते हैं सोम से शुक्र तक कथा का समय 1 से 4 और 6 से 8:30 है। तो कल दोपहर 1 बजे मिलेंगे, भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण कर।